तो मार इस पृथ्वी में खाता कौन है? गरीब आदमी, कमजोर आदमी, मजबूत आदमी नहीं खाता है। मानव तो मजबूत मरता है, लेकिन खाता कौन? गरीब समाज में खाता है। और जाता कहाँ? थाना। यह जो घर देख रहे हैं जिसके ऊपर में खप्पड़ है, खप्पड़ का मतलब आप भली भांति समझते हैं कि यह मिट्टी का ऐसा ऊपर से छाने का चीज़ है जो पूर्वज लोग हमारे इस्तेमाल करते थे। फिलहाल अभी तो कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप यह घर जो देख रहे हैं यह कोई आलीशान महल नहीं है। इसको अपने लोकल लैंग्वेज में हम लोग झोपड़ी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह घर है और इसमें लोग रहते हैं, लेकिन यह घर बहुत खास है। आप देखिए कि इस घर के बारे में हम जब बताएंगे इसके गृहस्वामी जो इसके मालिक हैं उनके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। 59 साल नौकरी कर लिया और तब भी इनका यह आलीशान महल कभी महल नहीं बना, यह इसी झोपड़ी में रहते हैं। हम इसलिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि देखें कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी तो ज़रूर करते हैं लेकिन देश के लिए करते हैं, कि इनके पास आज तक इनकी इस चीज़ के अलावा इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं सिवाय अपने बच्चे के पढ़ाई के। और जब हमने इनसे पूछा तो इनका यही जवाब था कि सर हम तो अपने बच्चे को ही पढ़ाते हैं, अवैध रुपया आज तक न लिए तो हम महल अपना कैसे खड़ा करेंगे। सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज़। आपको हमने जो अभी वीडियो क्लिप दिखाया और आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं यह झोपड़ी है और यह किसी का महल है जिसमें अपने बच्चों के साथ कोई व्यक्ति दिन और रात रहते हैं। यह हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारे देश में लोगों को पुलिस के प्रति बहुत ही घृणात्मक सोच है। सोच क्या है कि जो भी पुलिस में है उनको अवैध पैसा आता है, लेकिन कुछ लोग आज भी, हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस में सारे लोग गलत ही हैं, कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो कि देश के लिए जीते हैं, समर्पित हैं और आज तक उन्होंने कभी करप्शन नाम का चीज़ उनके हिस्ट्री में, उनके इतिहास में उनको कोई जोड़ा नहीं, कोई लगाया नहीं। तो फिलहाल हम जिस शख्स से मिलवा रहे हैं उनका नाम है जगदीश प्रसाद शाह। यह जगदीश प्रसाद शाह के बारे में हम आपको बता दें कि ये बिहार पुलिस में ASI हैं और अभी फ़िलहाल ये कटिहार कोर्ट में कार्यरत हैं। हम इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं ताकि इनको देखकर जो भी लोग पुलिस के प्रति नफरत करते हैं या जो भी चीज़ गलत समझते हैं उनको दूर किया जा सके। और चलिए फ़िलहाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने बड़े बड़े महल क्यों नहीं बनवाए, आज तक इसी झोपड़ी में रहने का कारण क्या है। हम फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जगदीश प्रसाद साहब, जगदीश जी बताइए कि ये आपका जो घर है, आपके इतना बड़ा पद मिलने के बाद लोग बड़े बड़े महल फ्लैट दिल्ली में, पंजाब में, कहीं पटना में, हर जगह खरीदते हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं किया, क्यों? कारण यह है कि सबसे पहले सोचना होगा कि मानव है क्या, मानव जीवन जो है वह है क्या। मानव कहते किसे हैं? कहने का मतलब कि मानव जीवन का मतलब है सिर्फ दो पैर दो हाथ और मुंह रहने से नहीं होगा। जिस व्यक्ति में मानवता नहीं हो तो वह मानव नहीं है बल्कि दानव है। तो मेरा कहना, अगर हम नौकरी किए सही है, बहुत बात अच्छी बात है, लेकिन हमको जो सैलरी मिला उसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करते जा रहा हूँ और उसके बाद अपना भी भोजन यापन करता हूँ। यहाँ तक कि अभी तक अगर सही पूछा जाए, न तो मेरे साथ मोटरसाइकिल है, न मेरे साथ और कोई किसी तरह से अपना गुजर बस करता हूँ। सारा मैं नौकरी किया हूँ 1986 में और उसके जब से बाल हुए तो गुमला जिला में हुए थे, उसमें झारखंड और गुमला एक ही था, उसमें भी कोर्ट में ही थे अधिकांश। उसके बाद बदल का है पूर्णिया में भी अधिकांश हम कोर्ट में रहे। उसके बाद में चल गए हम सुपौल में भी अधिकांश मैंने कोर्ट में रहा। उसके बाद गया मैं पटना जिला में अधिकांश मैं हाई कोर्ट में ही रहे। और उसके बाद में जब बदली हुआ बेतिया में भी कोर्ट में ही रहे। उसके बाद बेतिया से बदली हुआ मेरा कटिहार जिला, कटिहार में भी अभी मैं कोर्ट में रहा करता हूँ। इसलिए मैं थाना जाना नहीं चाहता हूँ कि हर दृष्टिकोण आते हैं हर तरह का। अगर सही पूछा जाए तो मार इस पृथ्वी में खाता कौन है? गरीब आदमी, कमजोर आदमी, मजबूत आदमी नहीं खाता है। मानव तो मजबूत मरता है, लेकिन खाता कौन? गरीब समाज में खाता है। और जाता कहाँ? थाना।
यहाँ मरा शरीर से आर्थिक से मैं एक थाने का किसी का पर्सनल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सिर्फ उसका साबित क्या करूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार खाता है समाज में जाता थाना, वहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से हर तरह की बात है, उतना मैं क्या बताऊंगा। लेकिन मैं इसी डर से मैं कोर्ट में ही रहना चाहता हूं। मेरा सेवा मात्र 9 महीना है, 1986 में ज्वाइनिंग किए, लेकिन हम इसी फूस में रहना मैं पसंद किया, इसलिए कि हमको सिर्फ जो एक गरीब आदमी खाते हैं गेहूं का रोटी, धान का चावल और साग सब्जी, और क्या दूध हल्का फल्का मिला तो मिला, और नहीं तो घी भी नहीं मिलता है। अमीर क्या खाते हैं? वही गेहूं का रोटी, धान का चावल और वही सब्जी, लेकिन बात फर्क इतना पड़ता है घी में, रोटी में घी जरूर। अच्छा सर ये बताइए, कहने का मतलब है कि हम अगर कमाएंगे ना जा तो किसको मारेंगे? एक मानव को मारेंगे ना, उसका पाप कौन लेगा। मैं इस पृथ्वी में पाप कमाने नहीं आया हूँ, धर्म कमाने आया हूँ। उठा के जब मेरा आरती जाएगा तो क्या पाप जाएगा? नहीं, इसी मिट्टी में रहना है। जब इसी मिट्टी में हमको रहना है तो फिर घर भी तो इसी मिट्टी में है, तो सबको तो इसी मिट्टी में मिलना है। तो महल का आयु क्या होगा? मकान का 100 बरस, फूस का 2 साल, तो ठीक है 2 साल के बाद, लेकिन मकान 100 बरस का टूटेगा ना, शरीर तो इस पृथ्वी में जाएगा ना। तो हम शरीर के लिए हम सबसे पड़ जाते हैं, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं। ईमानदारी हो और कर्म सही हो, उससे बढ़ के कोई सत्संग या धर्म नहीं है। मैं इतना ही कहकर। अच्छा सर एक चीज बताइए कि आप जो बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ तो बहुत तरह के लोग आते हैं, कार में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, आपको नहीं कभी अभिलाषा हुआ कि हम भी कार में बैठे? हम तो टेम्पू से चलते हैं भाड़ा दे करके। कभी नहीं मन में आया कि हम मन आने से क्या होगा, रहेगा तब किसको लूटेंगे तब ना। अरे जिस दिन देने वाला होगा ऊपर वाला, वो तो लक्ष्मी तो भंडार है, जिस दिन जिसको देना होगा ना छप्पर फाड़ के देगा, रख नहीं सकेंगे। अगर किस्मत में नहीं होगा सोना का ढेर में बैठा देगा ना तो नहीं रहेगा। अच्छा सर तो जो गाड़ी में कैदी वगैरह जाते होंगे तो 150 आपको देने का कभी कोशिश नहीं किए? कोई नहीं, मैं एकदम क्लियर कहता हूँ कोई नहीं। अगर सही पूछा जाए, अभी भी मैं कोर्ट में हूँ, हमसे कौन खुश नहीं है? वकील साहब के साथ मेरा बर्ताव क्या है? मेरा पदाधिकारी SP साहब हैं, वो भी ठीक हैं। मेरा पदाधिकारी जाकर के रंजीत बाबू हैं, हमारा साथी हैं अली राजा हैं, मैंने हीरालाल जी हैं, SI हैं, सब कोई सबके साथ, सिपाही के साथ मेरा व्यवहार अलग है। यहाँ तक कि क्रिमिनल जो है जो कि जेल से लाते हैं, गलती उन्होंने किया, लेकिन उनका सजा देने वाला कौन है? जज साहब मैं नहीं, मेरा काम है सिर्फ लाना पहुंचाना, सुरक्षा करना। अच्छा सर एक चीज है, तो आपके सिपाही नए नए जो ज्वाइन करते हैं तो बुलेट और कार से चलते हैं, तो आपको कभी ये नहीं होता है कि हम भी चले? हम क्या करें, उसमें जिसमें बहाल हुए उसमें तो 500 रुपया बेचने था, अभी हुआ तो बाल बच्चा का पढ़ाने में, किसी तरह इधर प्रयास कर रहे हैं, लोन पर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो वो जय श्री राम। तो आप आज तक अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिए ना? हाँ वही तो बात है, पढ़ाई में जो भी कुछ हो, अरे पढ़ लिख लेगा तो बहुत कुछ है, शिक्षा सबसे बढ़ के है। यहाँ तक कि हम तो मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, वो सीख रहे हैं हल्का फल्का, लेकिन वो लोन पर देगा तो अब ना। अच्छा ये घर वगैरह बनाने का कभी अभिलाषा नहीं हुआ कि घर वर बनाए, हम भी रहे, AC वोसी लगाए? इससे कोई मतलब नहीं, AC तो हमारा लिए ऊपर वाला है, ऊपर आकाश नीचे पताल। पद का कभी अहम नहीं आया कि हम पद? अभी तो हम देखिए हमारा बैचमेंट चला गया सब दरगाह में, हम भी रहते, लेकिन सवाल ये बात है कि सुनने में आया हम पटना भी गए, अपना सरदार पटेल में ऑफिस में पता चला कि श्री नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी जो हैं वो शायद अब हकीकत क्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने शायद आरोप लगाए कि प्रमोशन बाधित, तो हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट भी शायद सुप्रीम कोर्ट दिया, जब तक नहीं कोई डिसाइड होता है तो कैसे होगा? तो वो तो ऊपर वाली की बात है। तो मेरा कहना यह है, 1 स्टार हो या 2 स्टार हो उससे मतलब नहीं है, कर्म सबसे पहले होना चाहिए, कर्म नहीं तो स्टार क्या। ये थे JP शाह जी जो अभी वर्तमान में ASI हैं, कटिहार पुलिस में कार्यरत हैं और फिलहाल अभी कोर्ट में है, और इनका जो आपने वक्तव्य सुना कि ये ईमानदार हैं और ईमानदारी पर ही जीना चाहते हैं, और इनका कहना है कि ईमानदारी से बड़ा
कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में अपने साथ क्या लेके जाएंगे, इनका सवाल है और बिल्कुल जायज़ सवाल है, यही होना भी चाहिए। हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो लोग पुलिस को आज भी गलत नज़र से देखते हैं, उनके ऊपर विभिन्न तरह का आरोप लगाते हैं। फिलहाल इनका जो लड़का है उनको भी दिखाते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग भी तो समझे कि एक ASI का बेटा, आज एक सिपाही का बेटा कहीं जाता है तो उसमें धौंस होता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे पिता पुलिस में हैं, लेकिन इनके बच्चे से भी जानते हैं कि इनके बच्चों पर क्या प्रभाव, इनके पिता का पुलिसिया वाला प्रभाव है या नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शाह है। तो पापा तो ASI है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाँव में रंगबाजी करें कि हाँ? नहीं सर, वैसी मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच कलाम जी जैसी है। अच्छा, क्या सोच है? देश के प्रति कुछ खास करें, देश के लिए करें और अपने लिए नहीं, सार्वजनिक जब भी करें। तो पिताजी पुलिस में है तो कभी आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं हुआ? नहीं, आपके ईमानदार हैं। हाँ, ईमानदार हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है मतलब पापा का वर्दी पे कूदना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने बल पे जैसे अपना कुछ बने उसका कुछ खास अच्छा लगता है। अच्छा, आप अभी वाक्या बता रहे थे कि आप गए थे प्रधानमंत्री ऑफिस। जी, मैं गया था एक बार, मेरा मतलब सैलरी, पापा की सैलरी नहीं आई थी, मेरे पास फी नहीं था स्कूल के लिए, तो मैं एप्लीकेशन लिख के PMO गया था, वहाँ से फिर मैं लिखवा के लाया, उसके बाद वहाँ से जो है CMO को भेजा गया। क्या PMO में क्या आपने रिक्वेस्ट किया? वहाँ से रिक्वेस्ट किया था मतलब मेरी फी माफ। प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप गए थे? जी, खुद गए थे। जी, खुद गए थे। क्या वहाँ कंप्लेन किए थे? वहाँ पे ये लिखा था कि मेरे पास फी नहीं है जो रियली था, और सैलरी भी नहीं आई थी, मेरा फी माफ किया जाए, और तभी बाढ़ भी आ चुके थे। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ से फिर आया CMO को, CMO से फिर यहाँ DM को, DM से फिर प्रिंसिपल हमको कॉल के, फिर स्कूल गए, सारा मेरा काम हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पिताजी से, ये जो लड़ने का जज्बा है, पिताजी से सीखे? पिताजी से सीखे, और जब आप देश के प्रति कुछ कीजिएगा तो इसके लिए अपने हिम्मत होता है। लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ नहीं हो पाता है, लेकिन आप करते हैं, किए? हाँ, किए, अच्छा लगता है करने के बाद। जैसे आप अभी मेरा ले रहे हैं और सबका नहीं ले रहे, क्योंकि किए कुछ खास तभी तो। देखिए, जिसके पिता ही इतने अच्छे होंगे उसके बच्चों का संस्कार तो निहायत सही होगा और अच्छा होगा। आप एग्जांपल स्वरूप आप देख सकते हैं इस बच्चे की कहानी कि ये PMO ऑफिस तक पहुंच गए क्योंकि इनको फी माफ करवाना था। JP शाह के दूसरे सुपुत्र है, पहले हम बोलेंगे कि दिखाइए इनको, थोड़ा नीचे से ऊपर तक दिखाइए कि यह एक ASI का सुपुत्र का वेशभूषा है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही शरीफ लोग हैं कि इनको जरा सा भी अपने वर्दी का कोई गुमान और घमंड नहीं है। फिलहाल इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मदन कुमार शाह। तो मदन जी कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7th। कौन से स्कूल में? लिटेरा स्कूल। अच्छा, तो बड़ा होके क्या बनना है आपको? हम एयरफोर्स बनना है। एयरफोर्स में जाना है? हाँ। एयरफोर्स जानते हैं क्या होता है? हाँ। क्या होता है? अभिनंदन जी जो पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान में जो जाके वहाँ, हाँ, वहाँ जो लड़ा था, हाँ, वही वैसा ही आपको भी, हाँ, बनना है, दूसरे दुश्मन देश में जाके अटैक, हाँ, करना है ना? हाँ, अटैक करना। शुभकामनाएं है हमारी भी, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोगों के बच्चे जरूर आगे बढ़े, ये हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से कामना है, और हम चाहते भी हैं कि ऐसे ईमानदार लोग के बच्चे या इनका परिवार सब दिन सुखी और कुशल सकुशल रहे। JP शाह जी के ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, जहां JP शाह जी का घर है, घर ये कदवा में है, कदवा प्रखंड जो कटिहार में अवस्थित है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि JP शाह जी कैसे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय शाह। तो ये JP शाह जी पुलिस में जो है, तो ये कैसे है व्यक्ति? वो जी बिल्कुल ईमानदार आदमी है, यानी कि दूसरे को इसका खा ले बल ये खाने वाला नहीं है, और सब दिन एकदम ईमानदारी, हाँ, से जी, सब एकदम पूरा ईमानदारी है इसका, कोई घमंड कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसका बाल बच्चा को देख रहे हैं, इसका बाल बच्चा को देख रहे हैं कि किस तरह है, जिसका ये 65,000 सैलरी मिलता है उसका बाल बच्चा तो हाफ फैमिली रहना चाहिए, लेकिन वह सब बात नहीं है, और गरीबों का हेल्प करता, हाँ, गरीब का हेल्प करता है। अभी हमको कुछ हो जाएगा तो ये जान जी अड़ा देगा, पैसा से हो, जान से हो, जैसे हो, पहले मेरा काम करेगा ये आदमी है। और आपके क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र शाह। JP शाह जी कैसे आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी है, किसी का खाने नहीं चाहता है,
और वो दूसरे को खिला देता है लेकिन किसी का खाने नहीं चाहता। अगर हमको प्रयास करेंगे कि एक कप चाय पिलाएंगे वो चाय भी नहीं पीने वाला पार्टी है। नहीं। आप लोग इन्हीं के गांव के हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? धीरेंद्र शाह। तो धीरेंद्र जी कभी भी ये पुलिस का वाला धौस उस नहीं कभी दिखाए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सब दिन सेवा भाव? हाँ, सेवा भाव गाँव का करता है।